हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। देखिए, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि अपने स्टडी आवर को कैसे मैक्सिमाइज करना है। जैसा कि आप लोग देखेंगे होंगे, प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन कर दी गई है। अब कब होगी, क्या होगी, किसी को नहीं पता है। देखिए, ये सबको पता चलेगा जब 20 मई को यूपीएससी वापस से डेट री अनाउंस करेगी, या जैसा भी होगा वो पता चलेगा आपको बाद में ही। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अब एग्जाम को एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा होने में। तो हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ना कैसे है। पहली बात तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको ये लग रहा है कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए और आप इस तरीके की वीडियो देख रहे हैं। खैर, हमारा तो काम ही यही है, ये सब करते ही रहते हैं। तो आपको एक तरीका मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। लेकिन ये तरीका पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है। आप जाएंगे, मैं जड़ी बूटी दे रहा हूं और आप एग्जाम में फटाफट जाएंगे तो कर ले जाएंगे। मैं एक तरीका बता रहा हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा स्कोर आप ले आ सकते हैं। चलिए, खैर स्टार्ट करते हैं जरा फटाफट बिना किसी देरी के। तो ये हमारी लॉकडाउन बढ़ गई है, बढ़ने के बाद हमारे पास ये आ जाता है प्रीलिम्स का सिलेबस। तो देखिए, अभी तक कुछ लोग, जहां तक मुझे लगता है, कि गलती कर रहे होंगे। और वो गलती ये करते हैं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, गुड वन, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी में अगर आप कहते हैं कि आपका बहुत स्ट्रांग है तो फिर क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप करते क्या है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन आप पीएम बख्शी लेके नहीं बैठते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिकली प्रोविजंस दिए गए हैं वो नहीं पढ़ते हैं। आप पार्लियामेंट के चैप्टर जरूर पढ़ लेते हैं लक्ष्मीकांत के, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी आप नहीं पढ़ रहे होते हैं। आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, सेंटर पढ़ रहे हैं, स्टेट पढ़ रहे हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप कैग या जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी सारी डिटेल पढ़ ले रहे हैं, कितने टर्म है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे बनाए जा रहे हैं, कैसे हटाए जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होते हैं कि भाई इनको चीजें क्या इनकी होती है, इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, कैसे ये काम कर रहे होते हैं और इनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में चीजें कैसे हो रही हैं। जैसे फिलहाल छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस क्या कभी पार्लियामेंट के मेंबर हो सकते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो सकते हैं, अगेन एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जो आप क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिकल होकर के सोचना है। ये हुई पॉलिटी की बात। ज्योग्राफी में भी सेम वही चीज होती है। सो ज्योग्राफी में भी आप क्या करते हैं, मैप मेकिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन केवल और केवल वही कर रहे होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा सा अपना एरिया ब्रॉड करिए, थोड़ा सा अपनी चीजों को थोड़ी सी वाइड कर लीजिए। ये हो जाती है आपकी ज्योग्राफी की बात। एनवायरमेंट में तो खैर सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, एनवायरमेंट में तो कोई बात नहीं है। इसमें कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में अगेन इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये जनरली क्या करते हैं, समरी पढ़ के चले आते हैं, मेन डॉक्यूमेंट आप पढ़ते नहीं है। अभी टाइम मिल गया है, पढ़ लेना चाहिए। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा खेल है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये दो ऐसे टॉपिक हैं अगर किसी को आता है तो भी वो पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको वो आता है और कहता है यार मुझे तो ये आता है, पढ़ने की जरूरत क्या है। और जिसको नहीं आता है वो भी नहीं पढ़ना चाहता है, क्यों यार, ये पढ़ करके फायदा ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं पाते, हमको आता ही नहीं है, कुछ सोर्स ही नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो सबसे ब्रॉड हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, आप इसको नहीं पढ़ रहे होते हैं। टाइम आया है, पढ़ना चाहिए इसको। कैसे पढ़ना है बताता हूं, कैसे पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर्स हो जाती है, करंट अफेयर्स तो आप लोग जानते ही है कहां से कैसे पढ़ना होता है। तो सारे के सारे मैगजीन, सारे के सारे कोचिंग के मटेरियल्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, इसको आप लोगों ने परचेज करके पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा। तो देखिए, ये एक छोटा सा शेड्यूल है जो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं। देखिए, ये शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग यूज करिएगा, लेकिन कुछ कुछ टाइम मैं बताऊंगा उस दौरान में आप लोग किसी दूसरे काम को मत करिएगा, जो मैं बताया हूं केवल वही करिएगा, बाकी अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो रात्रिचर होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दिनचर होते हैं। अब जरा संभल जाइए और सब लोग दिनचर बन जाइए। रात्रिचर के टाइम गया, अब आपका एग्जाम मोड में आ जाइए। एग्जाम मोड रात्रिचर और दिनचर अलग अलग नहीं होता है, सबके लिए एक ही होता है, वो 9:30 बजे से ही होगा। तो आपको अपना अब टाइम शेड्यूल सही करना पड़ेगा। देखिए, टाइम शेड्यूल के बारे में बात करें तो आप मॉर्निंग में 6:00 पे एटलीस्ट आपको उठ जाना चाहिए अब तक, और उठ करके हिस्ट्री पढ़िए। जिनको आता है, जिनको नहीं आता उससे मतलब नहीं है, हिस्ट्री आप पढ़िए और वही सोर्स पढ़िए जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, या कोई और अदर सोर्स पढ़ रहे हैं आप अदर सोर्स पढ़िए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। कोई इसमें नई बुक ऐसा सच निकालने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज नहीं लिखी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, 8 to 9 आप अपना डेली रूटीन जो भी कर रहे होते हैं डेली रूटीन वाली चीजों में चले आइए। 9 to 12 आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, दिस इज डेली बेसिस की मैं चीजें बता रहा हूं। मॉक टेस्ट एक उठा लीजिए, मॉक टेस्ट आप करिए।
डेढ़ घंटे में करने की कोशिश करिए, अगले डेढ़ घंटे आप उस चीज को रिवीजन करिए, रिवीजन मींस कि चेक करिए आंसर्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्या चीजें हो रही हैं, आपके साथ में दिक्कत कहां आ रही है। एंड एक थिंग यहां पर देखिए, सेल्फ असेसमेंट जब भी आप करिए आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। कई बार चीजें होती है आप गलत कर देते हैं, फिर कहते हैं अरे यार ये तो बस ऐसे ही जो है गलत हो गया है, ये एग्जाम में तो मेरा सही ही हो जाता। नहीं देखिए, यहीं पर दिक्कत है। यहां पर आप अपनी गलती को मानना जरा समझिए कि आप अपनी गलती मानिए, मान करके उस चीज को आप चीजों को देखिए। छोटी छोटी चीजों से ही प्रॉब्लम्स रुकता है, प्रॉब्लम यहीं पर है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो भी एक अच्छा एस्पिरेंट है, मैं कहूंगा कि नियरली वो 100 मार्क्स तो सब लोग लेकर के आ रहे हैं, प्रॉब्लम यही तो है 100 को उठाना कैसे है। तो 50 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जा रहे हैं, 50 के ऊपर कैसे उठाना है, वो यही सब छोटी छोटी चीजें होती है। अगर आप पेपर देखेंगे तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक्स आप किए ही रहते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 10 क्वेश्चन का मतलब 26 नंबर हो गया। अब 26 नंबर आप लूज कर रहे हैं, 126 अगर आप पा जाते हैं तो सिविल छोड़िए फॉरेस्ट में भी आप क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये तो छोटी छोटी चीजें होती है, जरा उस पर ध्यान देने की अब टाइम आ गया है। इसके बाद आप 12-5 आप एक मेन सब्जेक्ट उठा लीजिए, जो हमारे पहले मैंने सब्जेक्ट दिखाया पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें हैं आप उठा दीजिए। हिस्ट्री ऑलरेडी आपने उठा रखा है तो आपके पास सब्जेक्ट बच जाते हैं बाकी पुराने। बाकी उसके बाद आप 5:15 15 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट के ब्रेक के बाद आप उठाइए पास्ट ईयर के क्वेश्चन, कर रखे हैं नहीं किए हैं डजंट मैटर, आप फिर से उठाइए इसको। और जो भी यहां पर सब्जेक्ट है, सपोज आपने पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी के साथ आप करंट अफेयर्स को इंक्लूड, मतलब करंट अफेयर्स इन द सेंस कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखिए क्या पढ़ा गया है, कैसे पढ़ा गया है, क्लियर हो गया। 7-9 आप उठाइए, यहां पर देखिए 45 मिनट का ब्रेक लीजिए, 45 मिनट का ब्रेक लीजिए, टहलिए घूमिए, लेकिन गाना मत सुनिए, गाना सुनेंगे फिर हो गया लफड़ा। तो गाने वाने नहीं, 45 मिनट आप घूमिए और आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिकॉल दैट ओनली, आप उस चीज को रिकॉल करते रहिए। देखिए एक महीना आपको रोबोट बनना है, रोबोट बनना है बिल्कुल। देखिए देखिए एक होता है जो आप, कुछ लोग होते हैं जो भाग्य लेके पैदा होते हैं, जिनको बोला जाता है लक, लकी लोग होते हैं। तो लक होता है, जिसका लक होता है उसको उस वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, पॉज करके तुरंत कटआउट करके निकल जाइए आप लोग, आप लोग भाग्य के बहुत धनी है। लेकिन जो लोग भाग्य के धनी नहीं है उनको अपना भाग्य अपने कर्म से बदलना पड़ता है। तो कर्म करना पड़ेगा और कर्म के लिए आपको रोबोट बनना पड़ेगा। तो कर्म से भाग्य बदलिए और उसके लिए रोबोट जरा बन जाइए। आ जाते हैं वापस से अपने शेड्यूल पे, 7-9 अपना करंट अफेयर्स पढ़िए, फिर उसके बाद से 9-10 अगेन आप डिनर के लिए रुकिए और 10-12 अगेन आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेक श्योर यहां पर कि अगर आप करंट अफेयर्स यहां पर आप किसी दूसरे मंथ का पढ़ रहे हैं या आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर पॉलिटी पढ़ा तो अब यहां पर पॉलिटी मत पढ़िए, यहां पर कुछ और पढ़िए, कुछ छोटा सा अलग सा पढ़िए, मैं कहूंगा साइंस एंड टेक पढ़ लीजिए, साइंस एंड टेक पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप जो होता है दूसरा कोई टॉपिक उठा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आईआर पढ़ रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक ले लीजिए, एनवायरमेंट उठा लीजिए। तो अकॉर्डिंगली यू सेट कि बड़े टॉपिक के साथ एक छोटा टॉपिक, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा रिलीज रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी नहीं आए। अब एक ही दिन आपने क्या किया, ज्योग्राफी भी एक तरह से उठा लिया, फिर उधर से आपने पॉलिटी भी उठा लिया है, तो आप क्या है कि दिमाग भी आपका छोटा सा बच्चा है, क्या करेंगे आप। तो अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी उसके बाद से 12-6 हैप्पी स्लीप, बढ़िया से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में अगर आप सपोज लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत के साथ आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखिए, पीएम बख्शी रखिए, या फिर मोबाइल ऐप में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐप किए रहिए, उसको देखिए। दूसरी चीज अगर आप मान लेते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में हर रोज मैप मेकिंग भी करते रहिए, मैप्स को देखते रहिए। कॉन्टिनेंट वाइज उठाइए, नॉर्थ अमेरिका उठा लिए, साउथ अमेरिका उठा लिए, अफ्रीका उठा लिए, एशिया उठा लिए, तो इस तरीके से आप देखते रहिए। थोड़ा सा आपको स्मार्ट देखिए यहां पर रहने की जरूरत है, आप यहां पर बाकी गधों की तरीके से मत पढ़िएगा, स्मार्ट रहिए। मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये सब सर्फेशियल देखिए, लेकिन जब एशिया में आइए तो आप जितना डीप से डीप जा सकते हैं उतना डीप से डीप आपको जाना है। आपको पता है लोकेशंस कहां कहां की इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन के आसपास की बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी लोकेशन की हर एक छोटी से छोटी बारीकियां भी आपको पता होनी चाहिए, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, सारी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट में आपको स्पेशल फोकस देना है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चीजों की, कि कहां पर है, किस लिए फेमस है, क्या वहां पे कोई एंडेमिक है कि नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन से हैं, कहां पाए जा रहे हैं, आसपास कोई नदी तो नहीं बह रही है, आसपास कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं लगा दिया गया है,
इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये देखनी पड़ेंगी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डेली जब भी आप ये इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं तो देखिए साइंस एंड टेक पढ़ने के लिए मैं कहूंगा साइंस एंड टेक की ऐसे कोई बेसिक नहीं होती है, आपको बेसिकली करंट अफेयर्स ही पढ़ना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप राज्यसभा टीवी का साइंस रिपोर्टर आता है, साइंस रिपोर्टर, इस साइंस रिपोर्टर की जो भी वीडियो है इसको आप डेली बेसिस पे देखिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं, जब भी आप मान लीजिए कि लीजर टाइम में है, नहीं कुछ मन कर रहा है, आधे घंटे का शो है, फटाफट इसको ओपन करिए, देखना शुरू करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है, आरएसटीवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आता है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग गया कि क्या करना है, कैसे करना है। दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। देखिए ये स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी को कैसे आपको फॉलो करना है। ये मैंने आपको अपने तरीके से एक स्ट्रैटेजी बताई है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी अपने पर्सनालिटी के हिसाब से बनाइए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा यहां पर रात्रिचर वाले दिनचर बन जाइए, क्योंकि अब एग्जाम को ज्यादा समय नहीं है, और अब थोड़ा सा सीरियस होकर रोबोट बन जाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड यू कैन ईमेल ऑन recognitionis@gmail.com। थैंक यू सो मच।